गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रॉयल एबीपीवी ग्रुप में आपका स्वागत है। और आज हमारे बीच में है गोल्ड डायरेक्टर अंजुम शेख जी, जो कि आज ये प्रेजेंटेशन अभी शुरू करने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक है, वो टॉपिक जो आपको दिखाई दे रहा है अभी लिखा हुआ है, लिविंग विद ओनर। देखिए, बहुत ही शानदार टॉपिक उन्होंने सेलेक्ट किया है, लिविंग विद ओनर। और उसके बाद उन्होंने कहा था विद वेस्टीज, तो वेस्टीज के साथ, सम्मान के साथ जिए। इस टॉपिक पे आज हमें अंजुम जी बताने जा रहे हैं। और हम सबसे पहले थैंक यू करना चाहेंगे अंजुम जी का, कि अंजुम जी ने हमारे लिए टाइम निकाला है और आज हम लोग को कुछ ना कुछ नई चीज जरूर वो दे के जाएंगे। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए आपको मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ, प्लीज आप अपना प्रेजेंटेशन शुरू कीजिए। सबसे पहले गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल सर क्लियरली? यस यस, बिल्कुल परफेक्ट। मैं अपना आज का टॉपिक शुरू करने से पहले सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ प्रतिभा जी और अश्विन सर का, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। मेरी ये फर्स्ट एवर जूम प्रेजेंटेशन है, तो सबसे पहले मैं सभी सुनने वालों को थैंक्स कहना चाहती हूँ अगले 25 से 30 मिनट तक मुझे झेलने के लिए। आई थिंक अब इतनी सारी अच्छी हम मोटिवेशनल मीटिंग्स और इंस्पिरेशनल मीटिंग्स हम सुन चुके हैं बहुत सारे अच्छे लीडर्स के साथ, तो मैं अपनी बात बहुत शॉर्ट में कहना चाहती हूँ और बहुत बेसिक्स है ये। तो सबसे पहले मैं शुरू कहना चाहती हूँ, मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। माई सेल्फ अंजुम शमसी, सूरत से हूँ और 4 साल से वेस्टीज से जुड़ी हूँ। और धन्यवाद देना चाहती हूँ वेस्टीज को, जिसने मुझे हेल्थ के साथ साथ और बहुत कुछ दिया है। पिछले दिनों एक बहुत अच्छी किताब मैंने पढ़ी, लिविंग विद ऑनर बाय शिव केयर, जिसकी कुछ विजडम मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो अपनी किताब में कहते हैं, वन ऑफ द मोस्ट वर्थ वाइल थिंग्स अ पर्सन कैन डू इज लिव a life of honor, integrity and service to mankind, and it starts with small choices in our daily life. यानी इंसान अपनी जिंदगी में कोई सर्वश्रेष्ठ कार्य करना चाहता है तो वो है एक सम्मान पूर्वक जीवन जीना, जिसमें ईमानदारी हो और दूसरों के प्रति सेवा की भावना हो। और इनकी शुरुआत हम छोटे कार्यों से कर सकते हैं। वो आगे कहते हैं, our ancestors comes our name, but from our virtues comes our honor. बहुत गहरी बात कही उन्होंने, यानी हम अपने पूर्वजों से नाम तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन हमारे अपने कर्म से ही हमें जिंदगी में सम्मान मिलता है। कई सारे लेखकों ने honorable living पे बहुत कुछ लिखा है, और ऐसे ही एक लेखक हैं देव लिंडबर्ग, जो by profession एक engineer भी है। वो कहते हैं, मेक प्रोमिसेस स्पेरिंगली एंड कीप देम। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन वादा करते समय आपको सोच समझ कर करना चाहिए। यदि अगर किया है तो उससे प्रतिबद्ध रहना चाहिए। कई बार हम अपने बच्चों से भी प्रोमिसेस कर देते हैं और किसी कारणवश उसे पूरा नहीं कर पाते। रिजल्ट क्या होता है, हमें लगता है बहुत छोटी सी बात है, लेकिन द चाइल्ड विल नॉट ट्रस्ट यू नेक्स्ट टाइम। और इसी तरह होता है हमारे डाउनलाइंस के साथ या हमारे जो को वर्कर्स हैं उनके साथ भी यही होता है कि हम कुछ ना कुछ उन्हें प्रॉमिस तो कर देते हैं लेकिन कई बार पूरा नहीं कर पाते, तो यू माइट लूज रिस्पेक्ट इन योर फ्यूचर बिजनेस। तो ट्रीट एवरीवन, सेकंड उनका पॉइंट है, ट्रीट एवरीवन विद फेयरनेस एंड काइंडनेस, एस्पेशली व्हेन दे डू नॉट डिजर्व इट। ये बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए कभी कभी, कि हम नहीं चाहते हुए भी हमें किसी के लिए काइंडनेस दिखानी पड़ती है या उसके साथ फेयर होना पड़ता है। तो लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी रिलेशनशिप्स को, हमारे कलीग्स के साथ, हमारे रिलेटिव्स के साथ, फैमिली के साथ और हमारे जो हम को वर्कर्स के साथ, ये मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट विल लीड टू अ लॉन्ग बिजनेस लेटर। बी ऑनेस्ट, अगर आप
कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, यहाँ मैं क्वेस्टिज का एग्जांपल दूंगी कि अगर हम कोई और कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हैं लेकिन जब हम प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं तो हमारे अपने प्रोडक्ट्स की हम तारीफ करते हैं तो यूज दिस प्रोडक्ट्स, लेकिन हाउ ऑनेस्ट यू आर टू द कंपनी, फर्स्ट बी ऑनेस्ट टू योर कंपनी एंड देन यू कैन मार्केट द प्रोडक्ट्स, सो दैट विल गिव यू अ बेटर रिजल्ट, बिकॉज आप अगर ऑनेस्टली यूज कर रहे हो तो आप उसको सही तरीके से दिखा पाओगे सामने वाले को, नहीं तो अदरवाइज दैट पर्सन विल ट्रस्ट यू लेटर. Keep cool. ये बहुत अच्छा पॉइंट जो मुझे लगा कि keep cool when others are losing theirs. तो बहुत बार ऐसा होता है, हम सबके साथ होता है, आई एम श्योर ये सभी के साथ ऐसा होता है कि प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे, सेंटर पर बहुत भीड़ है, पे आउट अब तक नहीं आया, एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हमारे और कंप्लेन्स होती है. लेकिन यहाँ एज ए लीडर, यहाँ आपके धैर्य की परीक्षा है. ऐसे समय यदि आप उनके प्रॉब्लम्स को धैर्यता से सॉल्व करते हैं, करने में उनकी मदद करोगे, तो इट विल डेवलप अ ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट फॉर यू. नेक्स्ट इज अ वेरी गुड पॉइंट कि बीइंग ऑनेस्ट टू योरसेल्फ. कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम, तो एंड सेकंड इज सेटिंग योर ओन प्रिंसिपल्स एंड कीपिंग बाय देम. तो आप अगर अपने प्रिंसिपल, अपने उसूल बनाते हैं, तो अगर आप उससे प्रतिबद्ध रहते हैं, उससे उससे होता क्या है कि आपके लोग आपके ऊपर लोग ट्रस्ट करना शुरू करते हैं, बिकॉज यू ऑनर योर सेल्फ. आपने अपनी प्रिंसिपल्स को, अपने उसूलों को किसी भी वजह से बदला नहीं है, बिकॉज यू नो योर राइट, एंड व्हेन यू आर राइट ओके, तो आपको उसी से यू हैव टू स्टिक टू योर प्रिंसिपल्स एंड फॉलो इट. यहाँ एक मैं छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ ऑनेस्टी के ऊपर. किसी एक दफ्तर में एक अकाउंटेंट को किसी गैर कानूनी कार्य करने के लिए बहुत सारा धन ऑफर किया गया. काम काफी पेचीदा था. वो अकाउंटेंट दुविधा में पड़ गया कि ऐसा कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. उसने अपने क्लाइंट से एक दिन का समय मांगा. उसने घर जाकर सारी ऑफर के बारे में अपनी माँ से कहा, जो कि बिल्कुल अनपढ़ थी. उसने 2 घंटे तक अपने पुत्र की बात को धैर्यपूर्वक सुना, फिर धीरे से कहा, पुत्र जो भी तुमने मुझे अब तक बताया है मुझे समझ तो नहीं आया, लेकिन हर सुबह जब मैं तुम्हारे कमरे में आती थी तुम्हें सोया हुआ पाती थी और तुम्हें जगाने में मुझे काफ़ी मुश्किल होती, और अब जबकि मैं तुम्हें जगा हुआ देखती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि आदत सी हो गई है. अब आगे तुम सोचो तुम्हें क्या करना. यह कहकर वो कमरे से बाहर चली गई. थोड़ी देर तक पुत्र सोचता रहा माँ की बातों पर. पुत्र को अपना जवाब मिल गया कि एक बार की गई बेईमानी आपको दोबारा ऐसा करने पर मजबूर करती है, और फिर वो समय चलते आपकी आदत ही बन चुकी होती है और लोग आपको उसी नज़र से देखते हैं और हमेशा के लिए आप दूसरों की नज़रों में एक बेईमान व्यक्ति बनकर रह जाते हैं. आइए हम जाने कि सम्मान की सही परिभाषा क्या है. क्या वो एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल है? क्या फेम है यानी शोहरत है? क्या ढेर सारा पैसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं. सम्मान का मतलब है अपनी वैल्यूज के साथ जीना. सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी तो उसके बाय प्रोडक्ट्स हैं. अब्राहम लिंकन एक बहुत ही सक्सेसफुल लॉयर थे. एक बार किसी व्यक्ति के केस को सुनने और समझने के बाद उन्होंने कहा, आपका केस टेक्निकली तो बहुत मजबूत है लेकिन एथिकली बहुत ही कमजोर है. मैं यह केस नहीं लड़ सकता क्योंकि जब मैं ये केस लड़ रहा होऊंगा तब मेरे मस्तिष्क में एक बात चल रही होगी, लिंकन तुम झूठे हो, तुम लायर हो, और मैं अपने आप के साथ जी नहीं पाऊंगा. उनका मैसेज बहुत क्लियर है कि हमें अपनी कोर वैल्यूज को कभी नहीं खोना चाहिए. यू विल गेट बिगर एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ अहेड. हमें आगे बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो हमें फौरी बेनिफिट के लिए, हमें तुरंत मिलने वाले बेनिफिट के लिए हमारे कॉन्शियंस को कभी सेल नहीं करना चाहिए, कभी बेचना नहीं चाहिए. एक और बहुत ही कोर वैल्यू है लैक of conviction, not doing what you believe is right. आज यदि किसी कार्य को करने की
करने के पीछे की सच्चाई को देखकर और उसे जानते हुए फिर भी आप उसे करने में संकोच करते हैं तो उसे lack of conviction कहा जाता है। हम जानते हैं कि हमारे intentions यानी हमारी नीयत ठीक है, लेकिन दुनिया आपकी actions को देखती है। इसीलिए सही समय पर सही कार्य करने में संकोच कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप अपनी पॉजिटिव सोच को एक्शंस में नहीं परिवर्तित करोगे तो आप अपने आप को कभी साबित नहीं कर पाओगे। सो कम लेट्स वॉक टुगेदर टू लिव अ लाइफ विद ऑनर। तो आइए हम साथ मिलकर चलते हैं एक सम्मानपूर्वक जीवन की ओर। हम बहुत लकी हैं कि वेस्टीज हम सब की जिंदगी का एक अमूल्य हिस्सा है, क्योंकि इट्स अ कंपनी विद एथिक्स, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ग्रेट वैल्यूज। इट्स अ कंप्लीट पैकेज हम कह सकते हैं। इसीलिए आज जिस बुलंदियों पर वेस्टीज खड़ी है, हम सब इसके भली भांति परिचित हैं। दुनिया में बहुत रिस्पेक्टेबल प्रोफेशंस हैं, लेकिन वो केवल एक लिमिटेड सेगमेंट्स तक ही सीमित हैं। हर कोई व्यक्ति हकदार है एक ऑनरेबल लाइफ को जीने के लिए, और वेस्टीज हम सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहा है। और हमें वेस्टीज देता है ये सब कुछ अपने पावरफुल एजुकेशन सिस्टम के द्वारा, जो हमारे अंदर एक कंप्लीट पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लाने में मदद करता है। नॉलेज ही सफलता का मूल बल है। सफलता से ही सम्मान मिलता है। हमारा बिजनेस एक डुप्लीकेशन का बिजनेस है, तो हम यहाँ मार्केटिंग प्लान को ही नहीं डुप्लीकेट करते, बल्कि हमारे इथिक्स और वैल्यूज को भी जनरेशंस में ट्रांसफर करते हैं। और वेस्टीज हमें अपने वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के द्वारा हमारी सक्सेस की जर्नी को तय करने में मदद रूप बनता है। एक बहुत ही सम्मानजनक बात यह है कि हम वेस्टीज वॉरियर्स को बिलोंग करते हैं, जो कंपनी की सबसे पहली कोर टीम बनी, और वॉरियर्स के रियल लाइफ हीरोज ने उसे नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास शुरू कर दिया। My heartiest thanks to all the wonderful leaders for this support, and a special thanks once again to Ashwini sir, Hiren sir, and all the leaders who have been always putting efforts to organize meetings and seminars to educate us. Thanks to my immediate upline, Mrs. Manjula Bagrecha. She has always been a great help. All my lifelines, especially Zehra, I really owe her many things. Okay. So I'm thankful to Zehra and her entire team. My cross lines, I would especially like to name a few: Bina, Bijal, Sarita, and of course Mayank for his excellent trainings throughout, and Sunita ji, Twara and Priya. I hope मैंने अपनी message को आप तक अच्छी तरह से convey कर पाई। जब हम school life में थे तो हमारे लिए एक सब्जेक्ट हुआ करता था कैरेक्टर फॉर्मेशन। कैरेक्टर फॉर्मेशन की हमारे टीचर ने एक बहुत अच्छी बात हमें बताई स्कूल लाइफ में, और उन्होंने कहा कैन आई कॉन्ट्रीब्यूट। बहुत अच्छी सोच है उनकी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कि मैं दुनिया को क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ। हाउ वुड यू लाइक टू बी रिमेम्बर्ड? वी ऑल वुड लाइक टू बी रिमेम्बर्ड विद लव, with respect and well spoken of, isn't it? हम सब चाहते हैं कि हमारे पीछे हमें लोग respect से, हमारे face पे तो लोग कहते हैं लेकिन हमारे पीछे भी लोग हमारी respect करें, हमारे लिए अच्छी बात करें और हमें प्यार करें। So think as you take each step in life, even your smile can make many people happy. In whatever small way we can contribute to the world, it will surely make a big difference in transforming the society constructively. और वही सब कुछ आज हम वेस्टीज में कर रहे हैं। हम बहुत सारे लोगों की जिंदगियों से जुड़े हैं और उनको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो वी आर वेरी लकी टू बी इन दिस बिजनेस, बिकॉज इट इज़ अ कम्प्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम किसी को लाते हैं इस बिजनेस में तो हम उनको ट्रेनिंग्स के द्वारा उनके ट्रांसफॉर्मेशन में हम उनकी मदद करते हैं, उनको कंस्ट्रक्टिवली रिफॉर्म करते हैं। तो इट इज़ अ हेल्पिंग हैंड
both financially and an overall development. When a person has a goal, a commitment, the higher cause in life. ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि किसी का कुछ गोल है, लक्ष्य है लाइफ में, कोई कमिटमेंट है और हायर कॉज है एक जिंदगी का. इट ब्रिंग्स अ शिफ्ट फ्रॉम गेनिंग टू गिविंग. कितनी गहरी बात कही है कि हम गेनिंग से गिविंग पे आ जाते हैं. तो जब हम गेन करने का सोचते हैं सिर्फ उसी के बारे में सोचते हैं, लेकिन जब हम गिविंग के बारे में सोचते हैं, इट गिव्स मोर वैल्यू टू योर लाइफ. इन सोसाइटी इफ एवरीवन कीप्स थिंकिंग व्हाट आई कैन गेन, हर कोई यही सोचता है हम ये पालेंगे, हम वो कर लेंगे, हम ये अचीव कर लेंगे, रादर देन व्हाट आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट, देन करप्शन हेट्रेड कैन नॉट बी रूटेड आउट. तो वो निकल नहीं सकता सोसाइटी से जब तक कि हम गिविंग के फॉर्म में नहीं आ जाए, हम गिविंग करना नहीं सीखे, कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देना सीखे सोसाइटी. वी नीड टू हैव अ शिफ्ट इन आवर एटीट्यूड फ्रॉम व्हाट आई कैन गेन टू व्हाट आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट. तो वी आर वर्किंग फॉर अ वेरी नोबल कॉज इनडायरेक्टली, कि हम बहुत सारा कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो थैंक्स टू माई टीचर हु हैज गिवन अस. मैं अपनी बात को एक अच्छी नोट पर ख़त्म करना चाहती हूँ. सक्सेस विदाउट ऑनर इज लाइक अ डिश विदाउट सीजनिंग विच माइट फुलफिल योर हंगर बट इज टेस्टलेस. सम्मान के बिना सफलता एक बेमजा भोजन के बराबर है जिससे पेट तो भर सकता है लेकिन स्वाद नहीं होता. थैंक यू ऑल फॉर बीइंग विथ मी, विश यू वेल. एंड करने से पहले मैं छोटी सी एक पोइट्री है, इट वॉज अ सॉन्ग वेन जब हम स्कूल टाइम में थे तो ये हमारे स्कूल में पढ़ा जाता था, तो मैंने उसको वेस्टी टीम से रिलेट किया है एंड मैं यहाँ पर रिसाइट करने वाली हूँ. आई होप आप सबको पसंद आएगा. Three cheers for our Westies team. Wake up the echoes cheering her name. From the valleys rising high, shake off the thunder from the sky. What though the odds be great or small, our warriors team will conquer them all. With her loyal leaders marching onwards to victory. Hurrah, hurrah, hurrah. Hip hip hooray. Thank you so much. Wish you well. Thanks, sir.